खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां संपन्न हुई माता आदिशक्ति जगत चन्नी की दिव्य महाआरती। संगठन का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र व मानवता की सेवा। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में बीते रविवार को बिल्हौर नगर के ककवन रोड स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य मासिक महाआरती का आयोजन योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में भव्यता के साथ सम्पन्न किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ और गुरुवर के जयकारों और भावगीतों के साथ हुआ। तत्पश्चात गुरु चालीसा व श्री दुर्गा चालीसा वंदना व स्तुति करते हुए दिव्य महाआरती क्रम का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सभी ने अपनी गलतियों के लिए अपने आराध्य गुरुवर एवं माता आदिशक्ति के समक्ष समर्पण स्तुति के माध्यम से क्षमा याचना की। अंत में सभी ने शक्ति जल एवं प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की समापन मेला में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, किसान मोर्चा के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, तहसील उपाध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा, तहसील अध्यक्ष नीरज कटियार आदि ने संगठन की विचारधारा के प्रति वक्तव्य प्रस्तुत किया। उक्त अवसर पर उज्जवल कटियार, सोनू तिवारी, रवि शंकर गुप्ता, वीरेंद्र मिश्रा, सत्यवती पाल, उदय नारायण सचान, वीरेंद्र कटियार, राहुल कुमार ओमकार, संजीव कटियार, विजय कुमार, मुनेश चौरसिया, निधि चौरसिया, किशनलाल पाल, राकेश गौतम व किशन कठेरिया आदि सैकड़ों मां भक्त उपस्थित रहे। कार्यक्रम का लक्ष्य क्षेत्र के लोगों को धर्म, राष्ट्र व मानवता की सेवा से जोड़ना था। उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा संगठन की विचारधारा के प्रति सभी उपस्थित माँ भक्तों को संबोधित किया गया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर के त्रिपाठी ने अत्यधिक सारगर्भित विचार प्रस्तुत करते हुए उपस्थित भक्तों को संबोधित किया और संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा। कार्यक्रम के अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बिल्हौर के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने तहेदिल से उपस्थित माँ भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर, एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक। आइए जाने संगठन के तहसील उपाध्यक्ष नहीं मिलेगा कुछ भी कहिएगा। अरे दो चार पांच मंत्र कहिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से कह के जो देखिए, ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो जाने। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा? जय गुरु जी। निश्चित रूप से ये सौभाग्य के पल होते हैं जहां
भर्ती के क्रम संपादित कराए जाते हैं। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुओं ने इन महातिक्रमों को उस परम धाम सिद्धाश्रम धाम की मूल ध्वज की आरती से एकाकार करते हुए वही लाभ देने का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, आपने देखा हर कालखंड में जब भी अनीति बढ़ी, अन्याय बढ़ा, अधर्म बढ़ा, तब तब कोई ना कोई देवत्व शक्ति अपने अंश के रूप में इस धरा पर अनीति और अन्याय अधर्म का समूल नष्ट के लिए अवतरित करती है। आपने भगवान राम को अवतरित होकर इस धरा पर आना पड़ा और उस आठदाई रावण का अंत किया, द्वापर का काल आया, कंस का अत्याचार बढ़ रहा था, चारों तरफ अन्याय अधर्म था। भगवान कृष्ण को इस धरा पर आना पड़ा, उस आठदाई कंस का नष्ट विनाश करके उस कालखंड को अनि अधर्म अन्याय से मुक्त कराया। भाइयों बहनों, आपने पढ़ा होगा धर्म ग्रंथ चीख चीख कर बता रहे हैं, कलिकाल का कालखंड निश्चित रूप से इन दोनों कालखंडों से ज्यादा भयावता का है। हम सभी जानते हैं, देख रहे हैं, इसीलिए इस कालखंड में ऋषियों के स्वामी स्वामी सच्चिदानंद के अंश अवतार के रूप में योगी नाथ शक्तिपुत्र महाराज जी स्थला में अवतरित हुए हैं। संकल्पों की यात्रा का याद दिलाया, गुरु देख रहे हैं कालखंड में सैकड़ों परेशानियों से गुजरे हैं और उस काल संकट की वजह से, उस महामारी के संकट की वजह से हमारे शिष्य विचलित न हो, धर्म पथ पर बढ़ने के लिए संकल्पित रहे। इसीलिए तीन दिशों में गुरुवर ने निरंतर तीनों दिनों तक एक पाठशाला के रूप में अपने शिष्यों को कभी डांटा भी, कभी पुचकारा भी, और संकल्पों की यात्रा के लिए संकल्प बद्ध किया। गुरुवर ने यह भी निर्देश दिया, इस साधना के अलावा आपको मां ओम का निरंतर जप करना है, सहज प्राणायाम करना है, ध्यान साधना करनी है। किसी अपरिहार्य कारण से अगर किसी दिवस का ये साधना क्रम आपसे अपूर्ण या अधूरा रह जाता है तो उसे आगे के दिवसों में भरपाई के रूप में करेंगे। गुरुवर ने अपने शिष्यों को संकल्पित कराया, इसी दृढ़ निश्चय के साथ तुम्हें 22 और 23 जनवरी को आश्रम के स्थापना दिवस पर दंड ध्वज और संघ के साथ पूरी धर्म आध्यात्मिक अभिरुचि के साथ पूरी मजबूती के साथ तुम्हें आना होगा। निश्चय ही प्रदेश अध्यक्ष ने अतिशय गर्वित विचार व्यक्त किए। राजनीति का हाल तो आपने देख रखा है, राजनीति सबसे घुलमुल और सबसे खराब दौर से गुजर रही है। राजनेता केवल और केवल सत्ता पाने के लिए कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं संप्रदाय की बात करके ही जोड़ तोड़ कर रहे हैं। चुनाव की बयार बहने लगी है, नेताओं ने अपने ये सब काम शुरू कर दिए हैं, न विकास की बात, न ये महामारी के लिए फिर संकेत
कैसे सुरक्षा की जाए, उसे किस तरह से तैयारी की जाए, ना इन सब बातों पर कैसे हमें सत्ता फिर पानी है, हमें सत्ता पर कैसे सत्तासीन होना है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी जहां तक आवाज जा रही है, मैं समाज से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि राजनीति को बदलने का संकल्प ले लो। आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक, आपका प्रधान, आपका वार्ड का सभासद कैसा हो, भाइयों बहनों राजनीति को बदलने का अगर संकल्प लोगे तभी देश में आपको परिवर्तन दिखेगा। राजनीति देश की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए राजनीति को ही आगे आना होता है। इसलिए आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो, आपका जनप्रतिनिधि नशा मुक्त होना चाहिए, आपका जनप्रतिनिधि मांस का सेवन न करता हो, विकास की भावना रखता हो, अपराधी प्रश्न भूम न हो, गुंडा माफिया न हो। अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास वोट मांगने आता है तो उसका तिरस्कार कीजिए और उसको बताइए कि पहले तुमको नशा मुक्त जीवन जीना होगा, तुम्हें विकास की बात करनी होगी, तुम्हें समाज सेवा का संकल्प लेना होगा, तभी हम अपना अमूल मत, जिसे मतदान के माध्यम से हम आपको देंगे। अगर ये संकल्प भाइयों बहनों आपने उन जनप्रतिनिधियों के सामने दिखाना शुरू किया तो निश्चित रूप से राजनीति का परिवर्तन का दौर शुरू हो जाएगा। जागो भाइयों बहनों, जागो बहनों, जागो। आप नारी शक्ति की ताकत को पहचानिए, तुम्हें एक नया भारत बनाना होगा। आज सबसे ज्यादा नारी शक्ति का उत्पीड़न किया जाता है, तरह तरह की घटनाएं आप पढ़ा करते हैं। इसलिए बहनों आप संकल्प लें कि आपके द्वारा ही नया भारत बनाना है, नए भारत का निर्माण करना है। अब कुछ राजनीतिक दल नारी शक्ति के बढ़ावे के लिए राजनीति में उनकी सहभागिता की भी बात करने लगे हैं, ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल होगी। पहलों को सम्मान मिलना चाहिए, नारियों को आज सम्मान मिलना चाहिए, नारियों का प्रोत्साहन होना चाहिए। मैं एक बात और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, अपने नौनियालों को संभालने और संभालने का काम प्रारंभ कर दें। आज युवा शक्ति सबसे ज्यादा भटक रही है, युवाओं को दिशा देने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा युवा मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं अपनी मातृशक्ति से यह गुजारिश करूंगा कि अपने 10-12 साल के बच्चों को कम से कम मोबाइल के ई का उपयोग करने दें। आज ये महामारी के रूप में निश्चित रूप से ये बढ़ेगी। जिसके पास देखो सभी मोबाइल में लगे हैं, परिवार के 2-4 लोग बैठे तो मोबाइल में ही आपस में वार्तालाप भी नहीं हो रही है। इसलिए नारी शक्ति को ही परिवर्तन के लिए आगे आना होगा। गुरुवर की विचारधारा पर दृढ़ता से चलने की जरूरत है। नशा मुक्त जीवन, मांसाहार मुक्त जीवन, चरित्रवानों का जीवन, चेतनावानों का जीवन स्वयं जीते हुए इस संदेश को जन जन को बताना होगा। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती रहे।